जेईई मेंस और नीट परीक्षा को लेकर झारखंड की राजनीति गरमाई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। भाजपा इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री को घेरा है, कहा कि सरकार छात्रों के साथ खिलवाड़ कर रही है, बेवजह राजनीति कर केंद्र पर आरोप लगा रही है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा कि देश का पहला उदाहरण होगा कि जब राज्य का मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर फीडबैक दे रहा हो। उन्होंने यह भी कहा कि अगर मुख्यमंत्री केंद्र परीक्षा से को बेहतर व्यवस्था कराने में मदद करती तो अच्छा होता, अपनी विफलता को केंद्र सरकार पर बेवजह टिकरा फोड़ रही है। देखिए, हमें लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को छात्रों के भविष्य के साथ राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये देश का संभवतः पहला उदाहरण हो कि जब किसी राज्य का मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर फीडबैक लेने की बात कर रहा हो। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि वो नेट और जेईई के एग्जामिनेशन के मुद्दे पर छात्रों से, विद्यार्थियों से, डॉक्टरों से, इंजीनियर से फीडबैक लेंगे, और जबकि उन्हें अच्छे से पता है कि ये एग्जामिनेशन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण कंडक्ट हो रहा है। अगर ये यही एनर्जी एग्जामिनेशन सेंटर्स में बेहतर व्यवस्था करने में लगाते, सैनिटाइजर्स, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की अच्छे तरीके से पालन हो, इस पर ज़्यादा फोकस होता तो बेहतर चीज़ें होती। और 19 लाख विद्यार्थियों ने फॉर्म को डाउनलोड कर लिया है, तो मुख्यमंत्री जी को छात्रों के भविष्य के साथ राजनीति नहीं करनी चाहिए और पूरे सिस्टम को, इन परीक्षाओं को सेफ तरीके से, सुरक्षित तरीके से कराने में लगाना चाहिए। लेकिन अभी भी वो इस मुद्दे पर राजनीति करते दिख रहे हैं। एक महामारी का प्रभाव चल रहा, कितने लोग संक्रमित हो रहे हैं, कितने लोगों की जानें चली जा रही है, उनका सुरक्षा पे तो ये बात नहीं करते। आपने देखा होगा मजदूरों को हजारों हजार किलोमीटर पैदल चलने पर मजबूर किया था। ये भाजपा, ये मोदी जी, ये भाजपा के नेता, उनकी सोच, उनका आदेश, निरंकुश आदेश। तो हर समय निर्णय जनता के खिलाफ लेती है। आज छात्रों का भविष्य का बात है, निश्चित सारे लोग चिंतित हैं। ये एग्जाम अप्रैल माह में ही हो जाता था, मगर कोरोना के वैश्विक महामारी से ये एक्सटेंड किया गया। मगर आज भी बिना व्यवस्था के आप उस एग्जाम को लेने के लिए व्याकुल हैं, तुलकी सोच और तुलकी विचार के साथ में। तो कहीं ना कहीं छात्रों का भविष्य के साथ उनके जीवन को भी आपने ताक पे रख दिया।